खबर चमोली से है, जहां 92 सालों के बाद 10 ज्यूला की चंडिका मां भ्रमण पर निकली है। मां चंडिका नवरात्र के पावन पर्व पर विजयादशमी के दिन महण मंदिर के बाहर निकली थी, जिसके बाद चंडिका मां ने 22 गांव का भ्रमण करके ध्यानियों की कुशल क्षेम पूछने के लिए गांव पहुंची, जहां भक्तों और श्रद्धालुओं ने मां चंडिका का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। बताते चले कि अभी तक मां चंडिका ने 49 पड़ाव पूरे कर दिए, जिसके बाद पोखरी ब्लॉक के गुनियाला गांव में मां चंडिका पहुंची। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। की देवरा यात्रा 14 अक्टूबर से शुरू हो चुकी थी और आज 5 दिसंबर हम पोखरी ब्लॉक में हैं। आज गुनियाला गांव का भ्रमण हुआ है और मां चंडिका का ये 50वां विश्राम आज भिकुना ग्राम सभा में होगा। 49 विश्राम हो चुके हैं मां चंडिका भवानी के और बहुत ही भक्तिमय प्रोग्राम चल रहा है, जैसे गांव में चल रहा है। माताएं मातृशक्ति का सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है, नवयुवक का भी मिल रहा है, वृद्धजनों का, बालजनों का, सबका सहयोग मिल रहा है। जैसी भक्ति मिल रही है वैसे ही मां को शक्ति मिल रही है। हम इसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं और मां चंडिका भवानी का देवरा यात्रा बहुत ही सुंदर और सफल होगा, मैं यही कामना करता हूँ। कब तक क्या क्या होना है? सबसे पहले जो है नवरात्रा जो है अक्टूबर में जो है 9 दिन का हम लोगों का जो पाठ हुआ पूजन होने के बाद 15 अक्टूबर को भगवती जो है ब्रह्म का निर्माण जो है स्वयं ब्रह्म स्वरूप में माँ चंडिका जो है अवतरित हो करके भ्रमण के लिए निकली है 15 अक्टूबर को। 15 से लेकर अभी तक जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको अवगत कराया है कि हम 49वां पड़ाव हमारा जो है आज 50वां पड़ाव हमारा वैकुंठ ग्राम सभा में होगा, यह आपको बता। इसके बीच हमारा जो कार्यक्रम इस प्रकार से हमारे जो इसके मध्यंतर दो भाग जो होते हैं उसको कहते हैं द्वारी कुंडली, अर्थात कि जो बीच के भाग का उसमें हमारा जो द्वारी कुंडली में फर्श का जो है नाच होता है और अभी तक हमारा जो फर्श है वो केवल आगे अग्रभाग की तरफ नाच दिखाता, तत्पश्चात जो है द्वारी कुंडली के बाद जो है फर्श का नाच जो है पीछे की तरफ भी होगा। गंगो